जीवन का सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला है। भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन है श्री शिव महापुराण की कथा। भगवान की भक्ति और भक्ति के माध्यम से मुक्ति हमें सहज हो जाए। भक्ति और मुक्ति का ये केंद्र बिंदु है शिव महापुराण। शंकर ओघड़दानी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, जो कि नित्य इस मृत्यु लोक में भूमंडल पर सदा विराजमान है, महाराज मृत्यु लोक में सदा वो विराजमान। फिर निवेदन करेंगे, बैकुंठ के अगर कोई देव हैं तो वो भगवान नारायण, भगवान विष्णु। ब्रह्मलोक के अगर कोई देव हैं तो वो भगवान ब्रह्मदेव हैं। पर यदि ये भूमंडल के मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, मृत्यु लोक का अगर कोई देवता विराजमान है तो वो देव अधिदेव महादेव है, भगवान शंकर, भगवान भूत भावन भूतेश्वर, भगवान शिव करुणा सागर। पर हमारी जो आदत है पुरानी है, हमारी जो बहू पास में रहती है ना, सास उसको समझ नहीं पाती, और जो बहू दूर रहती है ना, सास उसको बहुत श्रेष्ठ समझती है। अरे बहुत बढ़िया, बस दो चार दिन पूना से आई, मुंबई से आई, कहीं से आई, और उसने थोड़ा बहुत लाड लड़ाया सासू जी से, मम्मी जी कहकर पूछा ताचा, बस थोड़ा बहुत कहा कि मम्मी जी कर चाय भी पिलाई, भोजन भी बनाया, आदर भी करा, सम्मान भी करा, सत्कार भी करा, खूब करा। अब वो आई कितने दिन के लिए भाई, मान लो मुंबई से और पूना से अगर वो आई है और कहीं से मान लो वो पहुंची है, तो कितने दिन के लिए पहुंची, कुछ 8 दिन 10 दिन या 30 त्योहार पर आ गई, दूर रहती है ना, तो वो कहे दूर के ढोल सुहावन महाराज, बहुत बढ़िया, वो फोन लगा के पूछ लेती, हाल चाल कैसी हो मम्मी जी, कैसा हो, क्या बात है, क्या नहीं, तो वो बहुत अच्छी लगती। 4 दिन दिवाली पे आई, थोड़ा आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, बहुत अच्छी लगी महाराज, आगे बढ़ बढ़ कर चाय पिला दी, बहुत अच्छा लगा महाराज। पर जो संग में रह रही है, जो तुम्हारे साथ में रह रही है, जो सर्वदा तुम्हें निभा रही है, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, जरा से तुम बीमार पड़े बहुत दौड़ कर आ गई, थोड़ा सा चाय लाना है बहू को आवाज लगा दी, कुछ लाना है बहू से कह दिया, अपने मन की बात करना है बहू से कह दिया, तो वो ठीक नहीं रहती, क्योंकि वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्रोध कर देती है, थोड़ा थोड़ा उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वो कहने में आ जाता है, और वो उसी से कह सकती है जिससे लगाव होता है, जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, जिससे वात्सल्यता होती है। झगड़ा के पड़ोसी से रोज होता है, झगड़ा के मोहल्ले वालों से रोज होता है नहीं, पर पत्नी पति से भी झगड़ती है, सास और बहू का झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है, बंधु सखा का झगड़ा होता है, क्यों, क्योंकि इनमें आपस में प्रेम इतना होता है कि झगड़े रहते। भगवान कृष्ण और सुदामा भी झगड़े, तूने मेरे चने खा लिए, हैं? तो कृष्ण और सुदामा भी झगड़े साथ में महाराज, राधा और कृष्ण का भी झगड़ा हुआ है प्रेम के वश में। तो ये विचार ना करें हम कि महाराज हमें बस यही भ्रांति में हम जी रहे हैं, हमें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं महाराज, और जो देव अधिदेव महादेव जो मृत्यु लोक पर विराज रहा है, जो मेरा शंभु, जो मेरा शंकर नित्य इस मृत्यु लोक पर विराजमान है, बस हम उसको नहीं जानना चाहते। हम सोचते हैं हम वो भगवान का भजन कर लें, हम वो देवता का भजन कर लें, हम उसका स्मरण कर लें तो हमारा ये कार्य हो जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं मैं तो यहीं बैठा हूँ, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है तुमको, यही मृत्यु लोक, यही भूमि, यही पृथ्वी, कहाँ जा रहे, किस लिए।
हम क्यों भटके हैं और हमारे भटकने का कोई कारण, हमारे भटकने के कोई साध्य था हमारा। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ आपको मालूम है कुछ? शंकर जी बोले, बोलो क्या बात है? सारी दुनिया के लोग सारे 33 कोटि देवताओं को भजते हैं पर आपका भजन नहीं कर पाते, आपको मालूम है? शंकर भगवान बोले, भले मत भजने तो क्या हुआ, बहु पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला ले, बहु पड़ोसन को कितना भी आचार खिला दे, बहु पड़ोसन के कितने भी पांव छू ले, तो ईमानदारी से बोलना, क्या पड़ोसन बहु को अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा दे देगी? क्या पड़ोसन अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा क्या वो दे देगी? नहीं, पड़ोसन अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको नहीं दे सकते, उसको नहीं प्रदान करेगा। पर सास के भले वो पांव पड़े ना पड़े, प्रणाम करे ना करे, नमन करे ना करे, फिर भी सास कैसी भी बहु हो, अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी उसी को ही देती है महाराज, उसी को ही प्रदान करती है। कैसी? उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है। तुम संसार में जन्म लेने के बाद कुछ भी भजो, तुम कुछ भी किसी का भी नाम स्मरण करो, किसी से भी कुछ भी कहो, पर मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभू, मेरा भोलेनाथ, वो जानता है कि तू है तो मेरा ही, तू है तो मेरा ही। तो भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा, दुनिया के लोग सब भजते हैं पर आपको नहीं। शिव जी कहते हैं, भले ना भजे, अगर जीते जी मेरा स्मरण नहीं भी करेंगे, जीते जी मेरा भजन नहीं भी करेंगे, तो भगवान शिव की कथा कहती है कि मरने के बाद तो मेरे पास ही आएंगे। बाबा भोलेनाथ का चरित्र है कि शिव जी शमशान के निवासी, शंकर शमशान में रह रहे, आएंगे तो सही, तब देखा जाएगा। बस शंकर भगवान ने माता पार्वती को एक शब्द कहा है कि तू थोड़ा सब्र रख, और ये दुनिया का सबसे विचित्र शब्द है, तू थोड़ा सब्र रख, और अगर हम किसी को सहज भाषा में कहते हैं ना महाराज, हम किसी को सहज भाषा में कहते हैं बहुत सब्र करता है, बहुत सबरी है, बहुत सबरी, जो सब्र करे वो सबरी है। और कौन सी सबरी, समझ गए? वो राम अवतार वाली, कितना सब्र करा होगा उसने, जरा विचार करिए। मातंग बाबा कहकर गए हैं कि तुम्हारे दरवाजे पर तुम बाट जोना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, भगवान आएंगे जरूर, तुम इंतजार करो, वो आएगा जरूर। खड़ी रही, सेज सजाती रही, बुआरी लगाती रही, फूलों का श्रृंगार करती रही, नित्य प्रति नूतन रोज का नया नया श्रृंगार वो सबरी करती रही, क्योंकि सब्र है उसमें, इसलिए उसका नाम सबरी है। और जिसके भीतर सब्र होता है, जिसके भीतर सब्र विराजमान होता है, और जो सबरी के रूप में हो जाता है, तो फिर उसको भगवान के दरवाजे पर नहीं जाना है, भगवान को उसके दरवाजे पर आना पड़ जाता है। जिसके भीतर सब्र है, प्रतीक्षा है, इंतजार है, भगवान आएगा। क्यों भैया? मातंग बाबा ने इतना कहा कि भगवान राम तेरे पास में आएंगे, तो क्या मातंग बाबा सबरी से ये नहीं कह सकते कि तू बिल्कुल सब्र मत करना, तू तो अयोध्या भी चली जा, राम मिल जाएंगे, तू तो अभी जा बिल्कुल अयोध्या, और अयोध्या में जाएगी और राम तुझे मिलेंगे, तू सब्र ही मत कर। पर सब्र बांधा, इसलिए नाम उसका सबरी हो गया हमारा। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है,
अरे गुरु जी, हम तो ये व्रत कर रहे हैं, हम तो ये उपास कर रहे हैं, हमने तो ये करा, हमने तो सोमती की फेरी लगाई, हमने तो ये पूर्णिमा पे सत्यनारायण जी की कथा बचवाई, हमने तो ये वाला पाठ करवाया, हमने तो ये अनुष्ठान करवाया, हमने तो महामृत्युंजय के जाप कराए, फिर भी हमको फायदा नहीं। तो थोड़ा सब्र तो रखो, थोड़ा सबरी बनना पड़ेगा। और अगर जिस समय तुम्हारे भीतर सब्र विराजमान हो गया, तुम सबरी की जगह पर विराजमान हो गए, तुम्हें सब्र का भाव ज्ञानित हो गया, तुम अंदर सब्र को प्रवेश कर लिए और इंतजार की प्रतीक्षा की बाट जोते रहे, भगवान का इंतजार करते रहे, तो ये पक्का है जैसे विदुर जी के घर पर भगवान पहुंच गए, दुर्योधन के घर का 56 भोग छोड़कर, तो भगवान भोलेनाथ भी एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंच जाएगा। बस इंतजार करो, उसका भजन करो, उसका चिंतन करो, उसका स्मरण करो, वो आएगा। यहां पर बहुत सारे जो बाहर से आए हुए हैं, कोई आगरा से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई पूना से, कोई नासिक से, कोई मुंबई से, तो ये आप लोग आए हो तो कितना सब्र रखा होगा आपने, जरा विचार करिए। कब से कथा सुन रहे, ऐसा सुना वैसा सुना, कथा का स्मरण करा हमने, ये अनुष्ठान करा हमने, पशुपति व्रत करा हमने, कितना सब्र बांध कर। पर मन में तुम्हारा एक भाव होगा कि एक बार मुझे महा से मिलना है, मुझे एक बार जाकर कथा श्रवण करना है, मुझे एक बार सामने बैठकर कथा सुनना है। आप वो सब्र बांधते 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 आज कथा में पहुंच ही गए। ये परमात्मा बुला लिया, ये परमात्मा का दर्शन, ये परमात्मा का साक्षीकरण हो गया। बस थोड़ा सा रखना पड़ेगा सब्र को महाराज, फिर आपको नहीं जाना है, भगवान को आना है महाराज। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, सबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। केवल एक सब्र का जो नाम भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि तू सब्र धारण कर, इंतजार कर। कभी कभी सास भी बहू से कह देती है, देखो थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो, समय आएगा, इंतजार करिए, होगा। और फिर निवेदन करूं कि ये कर्म की गति बड़ी विचित्र है, जो हम कर रहे हैं वो हमको भोगना पड़ेगा और हमें प्राप्त भी होगा। आज किसी शीलाबेन अहमदाबाद ने एक प्रश्न लिखकर भेजा है, बहुत अच्छा प्रश्न है बहन आपका। उन्होंने अपनी बिल्डिंग का नाम भी लिखा कि कौन सी चाल में वो रहते हैं। तो शीला बहन, अगर आप कथा सुन रहे हैं तो आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि महाराज जब कर्ण के प्राण छूटे, जब राजा कर्ण को प्राण छूट रहे हैं, तो राजा कर्ण के प्राण छूटते समय कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में क्यों फंसा? बहुत विचित्र प्रश्न है और बहुत सुंदर प्रश्न है महाराज। क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के समय पर पानी गिर गया था, जो खड्डे में पानी भरा हुआ था? क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर कहीं ना कहीं खड्डे में जल भरा हुआ था, जहां पर रथ फंस गया था? क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर किसी खड्डे में कीचड़ भरा हुआ था, जिसमें कर्ण का पहिया फंस चुका था? तो बहन,
बड़ी सावधानी से इस प्रश्न को आपने भेजा, बड़ा सुंदर प्रश्न है, उसका उत्तर एक ही है। और आपने महाभारत में देखा होगा जब अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे, सात महायोद्धा जब आसपास में खड़े हुए थे और अभिमन्यु के प्राण छूटते समय, अभिमन्यु पर जब प्रहार पर प्रहार करा गया, अभिमन्यु के प्राण छूटने की जब घड़ी आ गई, तो अभिमन्यु ने सारे तरफ जितने खड़े हुए योद्धा थे, अभिमन्यु ने किसी के आगे जाकर जल की याचना नहीं करी, पर अभिमन्यु जब पड़ा हुआ था तो कर्ण को पहचान गया और कर्ण को कहता है, हे राजन, आप तो दानवीर कर्ण हो, इनमें से जितने सात खड़े हैं उनको छह को छोड़ दो, इनमें से एक भी दानवीर की गिनती में नहीं आता, पर आप दानवीर की गिनती में आते हो, आप दानवीर कर्ण हो, दुनिया आपको दानवीर कहती है। जिंदगी में आपने बहुत दान करा, बहुत पुण्य करा, बहुत सत्कर्म करा, पर आज मुझे भी थोड़ा सा दान दे दो। और राजा कर्ण के सामने अभिमन्यु प्राणों को त्यागते हुए सात योद्धाओं के सम्मुख में कर्ण से कहते हैं, मेरे प्राण अटक रहे हैं, मुझे आपके रथ पर जो पानी रखा है वो पिला दीजिए। बस कर अभिमन्यु ने उतना मांगा, वो दान दे दो। वो जल मुझे चाहिए और वो जल मात्र मेरे प्राण जो अटक रहे हैं उसके लिए चाहिए। प्राण छूटते समय राजा कर्ण अभिमन्यु से कहते हैं कि इतने लोग खड़े हैं, तूने मुझसे ही क्यों मांगा? अभिमन्यु कहते हैं, या दुर्योधन भी सामने है, सब कोई दुशासन भी खड़ा हुआ है, पर मुझे मालूम है जो पांच गांव नहीं दे सके वो जल क्या देंगे। भगवान कृष्ण मांगने के लिए आए थे कि मात्र पांच गांव, तुम तो ऐसे ही दान में दे दो ना, पांच गांव इससे ज्यादा चाहिए क्या? जब वो पांच गांव नहीं दे सके तो फिर जल क्या देंगे, इसलिए मैंने मांगा नहीं। कर्ण के आगे अभिमन्यु बार बार कहते रहे कि मुझे जल पिला दो, बहुत प्यास लग रही, बहुत प्यास लग रही, मुझे पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लग रही, मुझे जल दे दीजिए, पर नहीं दिया। और जब जल नहीं दिया, महाराज अभिमन्यु के प्राण छूट गए। तो बहन, आपने जो प्रश्न किया है कि क्या वहां पानी गिरा था, क्या खड्डे में जल भरा हुआ था, क्या कीचड़ भरा हुआ था, ये राजा कर्ण का चरित्र कहता है कि जब राजा कर्ण ने जल का दान नहीं दिया, उस समय पर जब राजा कर्ण का पहिया कीचड़ में फंसा था, एक चुल्लू पानी नहीं दे पाया, तभी उसको लग गया था कि अब मेरी जो मृत्यु होगी वो इसी जल के कारण होगी जो मेरे रथ के अंदर रखा हुआ, पीने के लिए जो पानी रखा था, कर्ण का जो रथ खड़ा था उसका पानी नीचे गिरा और पहिया उसी में फंस गया, उसी बालू में, उसी कीचड़ में। कर्ण ने भगवान कृष्ण को पुकारा और पूछा कि मेरे बराबर दुनिया में कोई दान नहीं कर पाया, मुझे लोग राजा कर्ण कहते हैं, दानवीर कर्ण, और दुनिया में मेरे बराबर कोई दान नहीं कर सकता, मैंने जितना दान दिया शायद ही कोई देगा, मैंने जितना पुण्य करा शायद ही कोई करेगा। इतने में भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ओ कर्ण, कौन सा दान और कौन सा पुण्य, मात्र एक चिल्लू पानी तू नहीं दे सका, मृत्यु के सैया पर पड़े हुए व्यक्ति को लोग एकादशी का दान देते हैं, लोग मरते हुए व्यक्ति के सम्मुख में गौ दान करवा देते हैं, लोग मरते हुए व्यक्ति के सम्मुख में तुलसी का दल दान कर देते हैं, लोग मरते हुए व्यक्ति के सम्मुख में अपने करे हुए पुण्य का दान दे देते हैं, और तू चुल्लू पर पानी ना दे पाया। तो राजा कर्ण कहते हैं, महाराज मैं दुर्योधन के लिए नहीं दे पाया क्योंकि मैं दुर्योधन की सेना में था, अगर मैं देता तो मेरा मित्र रुष्ट हो जाता। भगवान कहते हैं, एक को रुष्ट से, बस केवल एक को संतुष्ट करने के लिए तूने सारा पुण्य नष्ट कर दिया। कर्ण कहते हैं, तो क्या मेरा पूरा की पूरा पुण्य चले गया? भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय पर जो मांगा जाए वो दिया जाए, जिस व्यक्ति से कहा जाए वो वचन निभाया जाए।
नहीं तो मानव के जीवन का जितना पुण्य है, सत्कर्म है, वो सब समाप्त है। इसलिए राजन, तुम जल नहीं दिए हो तो जल के ही खड्डे में तुम्हारा रथ फंसा हुआ है और तुम अपने प्राणों को त्याग रहे हो। तुम्हें कोई बचा नहीं सका। कितना सुंदर लिखा है महाराज, मार्कंडे पुराण के अंतर्गत लिखा है कि जो हमने दिया, श्रीमद् भागवत में भी है और गरुण पुराण में भी लिखा है, शिव पुराण में भी लिखा है, जो हमने दिया हमारे प्राण छूटने के समय पर वो हमारे सामने होता है, और जैसा हमने छल किया हमारे प्राण छूटने के समय पर वो छल भी हमारे सामने होता है। पुण्य भी हमारे सामने है और हमारा पाप भी हमारे सामने। पुण्य हमारे सामने और पाप भी हमारे सामने। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा सा सब्र बांध कर शबरी जैसे रहो। सब्र जिसके भीतर है वही दुनिया में सबरी है, और सब्र जब भीतर आ गया तो फिर तुम्हें भगवान के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम घर पर बैठ कर भी अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आ ही जाएगा, पहुंचेगा। कहे तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें प्यारी है। तुम कहते
भी बोला लेंगे, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बोला लेंगे, उम्र उठ रहो बोले, हम तुम्हें मना शंकर करुणा सागर की कथा कहती है कि जिसके भीतर सब्र विराजमान है भगवान उसके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, भगवान वहां मिल जाएगा। केवल जहां पर सब्र है वहां सबरी बनकर बैठो, राम मिलेगा, भगवान मिलेगा। वहां परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। महाराज एक सब्र ब्रह्मा जी के मन में भी नहीं रहा था। किस समय? जब ब्रह्मदेव स्वयं भगवान विष्णु के पास पहुंचे, और ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं, नारायण मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे आपसे कुछ विनती करना है। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? महाराज विनती केवल इतनी सी करना है कि प्रभु मुझे सबके पिता का नाम मालूम है, मैं सबके पिता का नाम ज्ञात है, मुझे सबके पिता का नाम मैं जानता हूं, पर मुझे आपके पिता का नाम नहीं मालूम, मुझे आपके पिता का नाम नहीं मालूम। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मदेव यदि कोई पिता है तो वो केवल एक ही, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है, नारायण का जो जन्म है, जल में एक पानी के बुलबुले से अयन करने के कारण, जल में जो अयन कर रहा है वही नारायण है, केवल एक पानी के बुलबुले से ही भगवान की उत्पत्ति हो गई। तो जो वो बुलबुला है पानी का, वो एक शिवलिंग की आकृति का, और वो शिवलिंग की जो आकृति है उसमें से जो बिंदु प्रकट होता है, उसमें से जो बिंदु निकला है, वही बिंदु से भगवान नारायण की उत्पत्ति है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, मेरे पिता स्वयं देव अधिदेव महादेव शंकर, पिता शिव। हाँ, इतने में ब्रह्मा जी बोले, अगर आपके पिता शिव हैं तो शिव का स्वरूप क्या है? शंकर कौन, शिव का स्वरूप क्या? तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की जब वार्तालाप हुई, और उस वार्तालाप में भगवान तुरंत उसी समय पर कह दिया,
उसी पल उसी घड़ी पर बोले। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो ब्रह्मदेव, अगर आप जानना चाहते हो कि उत्पत्ति का केंद्र बिंदु शिव है और तो शिव है कैसा, तो चलो आप क्या चाहते हो? तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे केवल आपके पिता को देखना है, केवल आपके पिता को मुझे जानना है और कुछ नहीं। सामने एक बड़ा सा बहुत बड़ा पर्वत था और विशालतम वो पर्वत एक और ब्रह्मा एक और भगवान विष्णु दोनों खड़े हो गए और उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। उस पर्वत को घुमा रहे हैं और जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो उसके घुमाने पर घर्षण से एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। देखो किसी कुम्हार के यहां जाना कभी आप, और कुम्हार के यहां पर वो चकला जो चलता है ऐसा पहिए पर वो घुमाता है, मिट्टी के ऊपर हाथ रख लेता है और उसको जब घुमाना प्रारंभ करता है तो उस पर एक लिंगायत आकृति प्रकट हो जाती है, एक लिंगायत आकृति वहां सम्मुख में आ जाती है। और भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने जब घुमाना प्रारंभ करा तो उससे एक लिंगायत आकृति उत्पन्न हो गई। सबसे प्रथम शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु ने प्रकट कर लिया, सबसे पहला शिवलिंग जो उत्तराखंड की भूमि पर आज भी विराजमान है महाराज। सबसे पहला शिवलिंग प्रकट करा और शिवलिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा ये कौन है? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं ये कौन है? भगवान नारायण कहते हैं यही तो मेरे पिता हैं, यही मेरे पिता हैं। तो कहा ये पिता तो है पर इन पिता का मुख कहाँ है, चरण कहाँ है, हस्त कहाँ है, इन पिता का शरीर कहाँ है? केवल एक लिंगायत आकृति जो सामने प्रकट हुई है बस केवल वही तो आकृति है, इसमें इनके चरण कहाँ, इनके मुख कहाँ, इनके हस्त कमल कहाँ? केवल यह तो केवल एक लिंगायत आकृति जो प्रकट हुई है वो सम्मुख में है कहाँ? तब भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्म जी से कहा, ब्रह्मदेव देखो पिता के स्वरूप को जानना बहुत कठिन है, और आपको पहले भी कथाओं में कहा कि माता पिता के भीतर को जानना बहुत कठिन है। बड़ी बहू कहती है कि सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है कि सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, और बेचारी सास दोनों के बीच में मंदिर के घंटे की तरह टंगी रहती है। बड़े बेटे को लगता है कि पिता छोटे बेटे को ज्यादा चाहता है, और छोटे बेटे को लगता है कि पिता बड़े बेटे को ज्यादा चाहता है, और पिता बेचारा मंदिर के घंटे की तरह बीच में टंगा हुआ है। पर किसी माँ से पूछा जाए, किसी माता से पूछा जाए कि तुम्हें बड़ा बेटा प्रिय है कि छोटा बेटा प्रिय है, तो माँ एक ही बात कहेगी कि मैंने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, दोनों को पाल पोस कर बड़ा करा है, दोनों को अपने हृदय से लगाया है, दोनों को अपनी छाती से लगाया है, गोदी में खिलाया है, मेरे लिए दोनों बेटे बराबर है। माता पिता के मन में बच्चों के प्रति भेद नहीं रहता, पर भेद उत्पन्न कर देती है। कुछ माताओं के मन में जाता है ये बड़े को ज्यादा चाहती होगी, ये छोटे को ज्यादा चाहती होगी। नहीं नहीं भाई कोई भेद नहीं, और मेरा आपसे भी निवेदन है माता पिता के मन में क्या है, माता पिता क्या चाहते हैं, माता पिता का भाव क्या है, हमें कभी ये जानना नहीं कि माता पिता किसको जमीन देंगे, किसको जायदाद देंगे, किसको दौलत देंगे, किसको संपदा देंगे,
बस इतना याद करो कि हमें माता पिता की जमीन जायदाद या संपदा से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें माता पिता के आशीर्वाद से मतलब होना चाहिए। मान लो किसी बेटे को जमीन जायदाद ज़्यादा दे भी दी, किसी को ज़्यादा संपदा प्रदान कर भी दी, और मालूम पड़े उसके लड़के ने कहीं ले जाकर शेयर मार्केट में लगा दिया, कहीं उसने डब्बे में लगा दिया, कहीं घाटा खा गया, जुए में लगा दिया, वैश्यवृत्ति में, मदिरा पान में, मांसाहार में उसने धन को लगा दिया, और माता पिता छोड़कर भी गए और बेटे ने नाश लगा दिया, उसको सत्यानाश मिला दिया, तो करेगा क्या? और अगर बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो गया, उसने कुछ भी नहीं दिया तो भी तुम संपदावान बन जाओगे। कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण के अंदर, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर कहना पड़ेगा प्रभु मेरे दुख काट दीजिए। भगवान विष्णु के मन में जाकर मंदिर में जाकर कहना पड़ेगा कि प्रभु मेरा दुख काट दीजिए। देवी के मंदिर में जाकर कहना पड़ेगा कि मेरे कष्ट काट दीजिए। पर शंकर के मंदिर में जाकर नहीं कहना पड़ता कि तुम दुख काटो कि कष्ट काटो, बस शंकर के मंदिर में तो एक लोटा पानी तुम्हारे घर का जाना चाहिए। मंदिर का ही लोटा उठाकर, मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा दुख कट जाए, तो ईमानदारी से बोलो मंदिर का लोटा कलश दूसरे का, कोई ने दान करा होगा तो मंदिर में रखा है, पानी ट्यूबवेल किसी दूसरे ने खुदवाया, लाइट का बिल कोई दूसरा भर रहा है, केवल तुम तो तैयार होकर चोटी कंगा कर बढ़िया आराम से गए और मंदिर का लोटा उठाया, कलश उठाया, पानी भरा और शंकर जी को बढ़िया प्रेम से पल्लू अल्लू ले लुआ के चकाचक ओम नमः शिवाय के तुमने चढ़ा दिया, और इतने प्रेम से चढ़ाया कि तुम तो सोचो कि शंकर जी मेरी पूरी मुराद पूरी कर देंगे। तो शंकर जी मन में सोचे मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही शंकर, फिर तेरा लगा क्या इसमें? तेरा क्या था? तो शंकर भगवान मन में सोचे कि अब मंदिर में आई काय को मेरे को बोल देती, मैं तेरे घर ही आके पानी में नहा के चले जाता, इतना भी कष्ट काय को करा तूने कि मंदिर तक आई और लोटा उठाया और पानी चढ़ाया। निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मंदिर के लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो एक रुपया मंदिर के लोटे का किराया और एक रुपया जो पानी भरा जो बिजली जली उसका, ये दो रुपए पहले दान पात्र में डालो, गुल्लक में डालो, उसके बाद तुम वहां का पानी भरकर फिर ले आकर शंकर जी को चढ़ाओ तो शंकर जी उसको स्वीकार करें। मालूम पड़े पीपल के पेड़ के नीचे गई, आंवले के पेड़ के नीचे गई, किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, सिर्फ पल्लू लेके कंकू चावल रोली मोली सब चढ़ा चढ़ू के और वो जाए, इतने में बिचारी जिसकी थाली वो आई तो क्या सब कुछ चढ़ गया? सब कुछ। अच्छा, कई 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 जगह पर हमने देखा, एक बार कहा हम जा रहे थे, कहीं जा रहे थे तो वहाँ पर भागवत जी हो रही थी, तो भागवत जी के पास में एक थाली रखी हुई थी, उसमें कंकु चावल रोली मोली जितने लोग जाएं और वो उसी में से फूल वगैरह उठा के और भागवत जी को चढ़ा दें, फिर कोई दूसरा जाए उसी में से कंकु चावल मिला के फिर भागवत जी को चढ़ा दें, फिर कोई आए फिर वो कंकु चावल मिला के वो भागवत जी को चढ़ा दें। जितने लोग कथा सुन रहे हो ईमानदारी से बोलना रे भाई, पुण्य मिला, कंकु चावल रोली मोली फूल माला सब दूसरे की, तुमने तो केवल उठाकर चढ़ा दिया, उसका कोई पुण्य है? सारे देवताओं के दरवाजे पर जाकर कहना पड़ेगा कि हमारा दुख काट दो, पर शंकर के मंदिर में जाकर कभी नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा दुख काट दो। शिव के मंदिर में तो एक काम करो जो पुराने समय में माताएं करती थी, जो पुराने समय में पुरुष करते थे, जो पुराने समय में बुजुर्ग करते थे, अपने घर का एक लोटा पानी भरकर सुबह से माताएं निकलती थी हाथ में एक छोटी सी डलिया, उसमें थोड़े से फूल बेलपत्र आदि पड़े रहते थे, एक हाथ में जल का पात्र रहता था और उसको लेकर माताएं शिव मंदिर में जाकर समर्पित करती थी। अर्थात क्या हुआ इससे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब घर का जल ले जाकर हम शंकर को चढ़ाते हैं तो शंकर को हम अपने घर का एड्रेस बताकर आ जाते हैं कि ये हमारे घर का पता है, अब तुम शाम को जब निकलो भ्रमण करने के लिए जब हमारे घर पर होते हुए चले जाना, अब कहने की जरूरत है क्या दुख कटेगा?
अब भगवान को बोलना पड़ेगा कि दुख काटो, कुछ नहीं कहना है, बस एड्रेस बताना। हमें भी भगवान के मंदिर में जाकर ये नहीं कहना कि तुम दुख काटो, हमें तो बस केवल एक लोटा जल लेकर जाना है और भगवान को समर्पित करना है, विनती करना है, निवेदन करना है और भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। बस एक लोटा पानी। अब इतना सरल देव देखो कहीं मिलने वाला है क्या? सारे देवताओं के पूजन में तो सारी सामग्री चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, आभूषण पहनाओ, रतन पहनाओ, माणिक पहनाओ, मोती पहनाओ, ये पहनाओ, वो पहनाओ। शंकर जी को एक लोटा पानी, हर हर महादेव तीन बार। शिव जी की कथा कितनी विचित्र, वो कहते अगर पानी भी नहीं है चढ़ाने के लिए, तुम्हारे घर में मान लो जल भी नहीं है, बस तीन बार ताली बजा दो और वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर के दरवाजे पर जाकर बम बम बोले बोल दो, वो भी नहीं कर सकते तो मात्र शिखर का दर्शन कर लीजिए। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मात्र शिखर का दर्शन करो उससे भी सर्व पापों का नाश हो जाता है। जल चढ़ाने का भी एक तरीका है और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है उस तीन तरह का जल शंकर को समर्पित होता है। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। तीन तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक प्रैक्टिकल जरूर करना हो, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो, प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटना और प्रैक्टिकल करने के बाद लिख के भी भेजना कि हमने करा, डरना नहीं है अपने को। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है एक एक प्रैक्टिकल कर देखो तो शिव महापुराण स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी, केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है। वैष्णव धर्म के अंदर, पुष्टि मार्ग के अंदर, जहां जहां पर महाप्रभु जी की बैठक जी होती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की, जहां पर महाप्रभु जी की बैठक होती है वहां पर झारी जी भरी जाती है। तो झारी जी जो भरते हैं जल का पात्र, जो भरते हैं झारी जी, तो उसका व्याख्यान वर्णन अगर करा जाए तो झारी जी क्यों भरी जाती है, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जो लेख है उसमें वर्णन आता है कि परम भगवदीय वैष्णव जो महाप्रभु जी की बैठक जी पर जाता है और झारी जी जो भरता है, वो झारी जी भरने का क्रम ये रहता है कि वैष्णव जीव अपने मन की बात डायरेक्ट भगवान से नहीं कह सकता, इसलिए वैष्णव क्या करता है कि यमुना जी से कहता है,
ये झारी जी जो है ये यमुना जी, तो यमुना जी को जब भरता है, झारी जी भरता है, तो अपने मन की बात वो यमुना जी से कहता है। यमुना जी से कहकर यमुना जी के भाव से श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सामने रख देता है। तो यमुना जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी को आज्ञा करती हैं कि जाओ, श्रीमद वल्लभाचार्य जी से कहती है, हे वल्लभ जाओ, अब ठाकुर जी से तुम कहो कि ये परम भगवती या वैष्णव आया है और इसके मन की ये अभिलाषा है। फिर वल्लभ ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, फिर ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। अर्थात जल चढ़ाना, भगवान का स्नान कराना, भगवान के ऊपर जल का पात्र समर्पित करना, ये हमारे दिल की बात हमें भगवान को कह देना, हमें भगवान को समर्पित कर देना। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम घर में रोज भगवान निलाती हो? जितने लोग यहां बैठे हैं, जो टीवी के सामने बैठे हैं वो अपने भाव से कह देना, जितने लोग यहां बैठे हैं तुम घर में भगवान को रोज निलाते हो? अरे बोलो तो, निलाते हो ना रोज? तुम रोज भगवान को सुलाते हो? आधे इधर वाले बोल दो और आधे इधर वाले बोल दो, हो कुछ तो हो ही जाएगा। अब एक बात बताओ, तुमने भगवान को सुलाया ना सुलाया वो आपके ऊपर। तुमने भगवान को निलाया तो रोज ना, भले सुलाया कि नहीं सुलाया वो तुम्हारी मन की बात, पर निलाया तो रोज ना। अब वो नारायण, वो मेरा ठाकुर, वो मेरा लाडला, वो मेरा विश्वनाथ, वो मेरा त्रिकालदर्शी, वो मेरा कैलाशी, वो मेरी भवानी माँ, वो मेरा दत्त, वो मेरा सतगुरु, वो मेरा ठाकुर, तुम उसको रोज निला रही हो, तो निलाने का भाव क्या है कि हम इतने बड़े भगवान को, त्रिलोकी के नाथ को हम स्नान नहीं करा सकते, केवल थोड़ा सा जल जो समर्पित सुबह सुबह करते हैं वो जल नहीं है, हम अपने हृदय का भाव भगवान को प्रदान कर रहे हैं, हम अपने हृदय की चित्तवृत्ति का भाव भगवान को दे रहे हैं। हम भगवान को वो प्रदान कर दे रहे हैं कि ये आप ले लीजिए। जितनी वस्तुएं, जितनी सामग्री पूजन की भगवान को चढ़ती है ना, उतनी सामग्री में कुछ ना कुछ भाव रहता है। बहुत ध्यान देना, जो भी सामग्री आप भगवान को चढ़ा रहे, तीन तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया, इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया, और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर दे। तो ब्रह्मा देव भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसका मुख कहाँ है, इसकी आकृति कहाँ है, इसका स्वरूप कहाँ है, कहाँ इसके हाथ, कहाँ इसके पांव, कहाँ इसके चरण है, कौन है? भगवान बोले, तुम नहीं जान सकते ब्रह्मा, तुम नहीं जान सकते। आप अपनी बात सबके सामने रख दो, आप अपनी बात सबके सामने कह दो, पर जिसमें जितना विवेक होगा उस बात को वो उतना ही पकड़ पाएगा। एक बार मीराबाई वृंदावन में भजन गा रहे, खूब सुंदर भजन मीराबाई गा रही है, बहुत सुंदर। तानसेन वहां से निकल कर गए, जो स्वर के सम्राट हैं, जो एक एक स्वर को जानते हैं, और राजघराने की शोभा बढ़ाने वाले तानसेन वहां से निकल कर गए, तो तानसेन ने देखा कि मीराबाई कुछ गा रही है। तानसेन रुक गए, और रुके तानसेन ने एक दीवार पर एक कोयला उठाकर, एक काला कोयला उठाकर लिख दिया, कृपया राग में गाएं।
जितने लोग निकल कर जा रहे थे सब हंस रहे थे मीराबाई के ऊपर कि मीरा तुझे राग में गाना नहीं आता। तानसेन ने पकड़ लिया तुझे राग में गाना नहीं आता। मीराबाई उठी, भजन गाकर जाने लगी तो पड़ा कि कृपया राग में गाए। मीराबाई ने कोयला उठाकर राग के आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा है? अनु। अब वो पूरा क्या हो गया? कृपया अनु राग में गा। जब तानसेन को मालूम पड़ा कि मीराबाई ने लिख दिया है कि अनु राग में गाएं, तो तानसेन मीराबाई के पास पहुंचा। मीरा, मैं लिखा था कि तू राग में गा, तो तूने अनु लगाकर अनुराग कर दिया। मीराबाई बोली, तानसेन जी बस आप में और मुझ में यही अंतर है। तानसेन जी, आप राजा को प्रसन्न करने के लिए, अकबर को प्रसन्न करने के लिए गाते हो तो आपको राग की जरूरत पड़ती है। मीरा कहती है, मेरे सांवरिया को प्रसन्न करने के लिए गाती हूं तो राग नहीं अनुराग की जरूरत पड़ती है। वहां तो प्रेम परोसा जाता है, वहां केवल स्नेह दिया जाता है। और कितना सुंदर भाव मीराबाई ने कह दिया कि भगवान को पाने के लिए तुम क्या कपड़े पहन रहे हो, भगवान को पाने के लिए क्या वस्त्र पहन रहे हो, भगवान को पाने के लिए तुम क्या आभूषण पहन रहे हो, भगवान को उससे मतलब नहीं है, भगवान को बिल्कुल मतलब नहीं है। महाराज, हम शंकर का भजन करते हैं तो हमें कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए? हो, शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मिल जाएं, शिव को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है। जब कलेजा बदलेगा शिव अपने आप मिल जाएगा, भगवान अपने आप में। तो कईयों ने कपड़े बदले, लंका का राजा रावण जब सीता का हरण करने गया तो संत का चोला पहन कर गए। कितनों ने कपड़े बदले, वो मारीच वो गया तो चोला चेंज कर कर गया, संत के चोले में रह रहा था तो हिरण बन कर गया। चोला तो कितनों ने चेंज करा, बदला, भगवान मिला नहीं। भगवान को पाने के लिए वस्त्र कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत है। और जिस दिन आपकी वृत्ति मन बदल गया उस दिन भगवान अपने आप मिल गया। अपने आप वो प्राप्त हो जाएगा। महाराज, ब्रह्मा जी के मन का संशय नहीं मिट रहा। ये आपके पिता हैं जी, तो इनके चरण कहां हैं, इनका शीश कहां है पता नहीं। पिता को जानना बहुत कठिन है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पिता के चरण कहां है और आपके पिता का शीश कहां है। भगवान बोले, जानिए बिल्कुल। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु से एक निवेदन है, स्वीकार करेंगे आप? बोलिए, क्या निवेदन है? निवेदन केवल इतना सा है कि प्रभु, मैं भगवान का सिर देखने के लिए ऊपर जाता हूं और आप भगवान के चरण देखने के लिए नीचे चले जाओ। भगवान बोले, ठीक है। पर भगवान विष्णु बोले, एक बात बताओ, ये देखने से होगा क्या? पिता को जानना कठिन है, मानो तो ब्रह्मदेव, ब्रह्मा नहीं माने। जब ब्रह्मदेव नहीं माने, भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग की ओर बढ़ने लगे उस शिवलिंग का छोर देखने के लिए। मात्र उस शिवलिंग का आखिरी बिंदु देखने के लिए ब्रह्मा जा रहे हैं आकाश मार्ग की ओर। और चरणारविंद में भगवान विष्णु जा रहे हैं और भगवान विष्णु के मन में यह भाव नहीं है कि मुझे चरण देखना ही है। भगवान विष्णु के मन में तो यह है कि ब्रह्मा जी बोले हैं तो इनका संशय मिटाना है और ब्रह्मा जी के संशय को मिटाने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा, इसलिए नीचे की ओर चल चलते गए। पितृलोक, फिर सूर्यलोक, फिर स्वर्गलोक। भाई लोकों का वर्णन आता है ना, सबसे पहले आता है पितृलोक,
है, जो हमारे पूर्वजों जो शांत हो जाते हैं वो सबसे पहले पितृलोक में जाके ठहर जाते हैं। पितृलोक में जाके ठहरते हैं तो इनसे उनके अपने पूरे परिवार के लोग जितने पहले गए हुए हैं ना वो सब मिलते हैं उनसे, और भाई कैसे हो, कैसे आए, बढ़िया, तुमने कोई पुण्य करा कि नहीं करा, सब पूछते हैं। जितने पितृलोक में पितृ विराजमान रहते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं तुम्हारा पुण्य कितना है। जो पुण्य कर कर जाता है, जितने पितृ पितृलोक में हमारे निवास करते हैं वो उसको गले लगाते हैं। गले क्यों लगाते हैं? क्योंकि पितृलोक में निवास करने वाला जितने पितृ हैं, जब नीचे से कोई जीवात्मा जाती है तो उसको गले इसलिए लगाते हैं कि इनका पुण्य हमारे शरीर को संतुष्टि प्रदान करे और हम इस पितृलोक को छोड़कर सूर्यलोक को जाएं, फिर सूर्यलोक को छोड़कर हम स्वर्गलोक को जाएं। और ध्यान देना, जो पुण्य कर कर गया है वो पितृलोक में थोड़ी देर ही ठहरा है। जो पुण्य कर कर गया, जो सत्कर्म कर कर गया, ये आज सोमवती अमावस्या है, ना जाने कितने लोगों ने दान करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने पुण्य करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने गंगा यमुना सरयू नर्मदा छिपरा, ना जाने कितनी नदियों का स्नान करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी होगी, ना जाने कितने लोगों ने तुलसी का पान करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने तुलसी के जल का सिंचन करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने पीपल के पत्ते का स्पर्श करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने पीपल के पत्ते के अग्रभाग का स्मरण किया होगा, केवल सोमवती अमावस्या के लिए। क्यों? क्योंकि हम ये जब करते हैं तो हमारे द्वारा जो सोमवती अमावस्या पर किया गया या सोमवती अमावस्या के अलावा भी जो हमने पुण्य एकाग्रित करा, जब हम जाएं तो पितृलोक में जैसे ही पहुंचे तो हमारे परिवार के लोग वहां जब खड़े मिले पितृलोक में, हमारे शरीर का जब स्पर्श करें तो वो भी तर जाएं और उनको लेकर हम सूर्य लोक में पहुंच जाएं। सूर्य लोक से निकलें, वहां का पुण्य इकट्ठा कर कर आनंद करते हुए अपने पुण्य की क्रमता में हम फिर स्वर्ग लोक को चले जाएं। गरुण पुराण कहती है करोड़ों लोग मरते हैं परिवार में, कुटुंब में, ना जाने कितने मरते हैं, पर सबकी सब स्वर्ग लोक नहीं जाते। करोड़ों लोग मरते हैं पूरे ब्रह्मांड में। गरुण पुराण कहती है करोड़ों में से कोई एक या दो होते हैं जो पितृलोक से छूटकर सूर्य लोक तक जाते हैं। ध्यान देना जरा, कोई दो एक होते हैं जो सूर्य लोक तक जाते हैं, और करोड़ों अरबों में कोई दो एक होते हैं जो सूर्य लोक से छूटकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। और जो स्वर्ग लोक को चला गया, उसने जो पुण्य करा था, जो स्वर्ग लोक तक पहुंच गया, फिर उसका कभी जन्म नहीं होता। इसलिए कई लोग कहते हैं मरने के बाद भगवान स्वर्ग दे देना, तो भगवान के ऐसा तो ढेर सारा पड़ा है, बहुत सारे पड़े। चढ़ो तो सीढ़ी, जब सीढ़ी चढ़ोगे तब भगवान का दर्शन होगा। चढ़ो तो आधे तो सीढ़ी के नीचे ही बैठ गए, कई लोग तो थोड़ी दूर तक चले जाएं, बैठ जाएं, फिर चढ़ जाएं, फिर बैठे, फिर चढ़ रहे, तो पहुंचो तो वहां तक जाओ तो। अब सारे लोगों का स्मरण करें, ब्रह्मा जी चढ़ते जा रहे हैं भगवान शंकर का सिर देखने के, चढ़ते जा रहे हैं। खूब चढ़े ब्रह्मा, नहीं मिला छोर, अंतिम छोर नहीं मिला, अंतिम छोर नहीं प्राप्त हो पाया। जब अंतिम छोर नहीं मिला तब ब्रह्मा ने वहीं पर लगा हुआ केतकी के पुष्प को तोड़ लिया, और केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी तोड़कर कहते हैं केतकी तू हमारे साथ नीचे चल, और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया, चल। केतकी बोली मैं काय को झूठ बोलू, मैं झूठ क्यों बोलू भाई, अरे चल तो तू, बस जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। तो केतकी बोली मैं झूठ क्यों बोलू, व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई फायदा होता है, मेरा तो कोई फायदा है ही नहीं, तो फिर झूठ बोलने का क्रम क्या। भगवान ब्रह्मा ने कहा केतकी के पुष्प मैं तुझे सारे देवी देवताओं पर चढ़वाऊंगा, चल, और तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी जाने को तैयार,
पर केतकी ने कहा मान लो अगर मेरी बात भगवान विष्णु ने स्वीकार नहीं करी तो कोई सबूत के लिए एकादोर ले चलो। तो वहां से गौ माता निकल कर जा रही थी, गौ माता को रोक लिया। ए गौ माता रुको, ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर गौ माता रुकी। रुको जरा, गौ माता ने पूछा बोलिए ब्रह्मदेव क्या बात है। ब्रह्मा जी बोले गौ माता बात इतनी सी है कि तुम हमारे साथ नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा को शंकर जी का शिवलिंग का छोर मिल गया, उन्होंने मस्तक का दर्शन कर। तो गौ माता बोली मैं काय को झूठ बोलूं। ब्रह्मा जी बोले अगर तू झूठ बोल देगी एक बार तो घर में सबसे पहली रोटी बनेगी और तुझे ही मिलेगी। अब एक रोटी के चक्कर में गाय झूठ बोल दी, मात्र एक रोटी, और केवल एक रोटी के चक्कर में गाय झूठ नहीं बोल रही, एक रोटी के चक्कर में संसार में जन्मा हुआ हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है। एक इतना बड़ा एक मीटर का कपड़ा कंपनी से निकला फैक्ट्री से 10 रुपए का, 10 रुपए से आया दुकान पर हो गया 20 रुपए का, 20 रुपए के तुम चाहो तो 3-4 रुपए बढ़ा कर ले लो, पर नहीं, अरे जीजी भगवान की सोगन खाऊं ये तो इतने का ही कंपनी में इतने का आया। बताओ भगवान तो ऐसा मिला पड़ा है कि जो मिल जाए बस उसी की सोगन खा ले। किसी दुकानदार को कभी ऐसा बोलता देखा कि जीजी अपनी लुगाई की सुगंध खाऊं ये तो इतने का ही, एक आध बार खा के बता दो। भगवान तो ऐसा दिखता, मैं तो सुगंध खा के बोल रहा हूं कि इतने कई वस्त्र है, इतने कई आभूषण है, इतने कई सामान। नहीं नहीं भाई, एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोलने को तैयार हो गई है, मात्र एक रोटी के चक्कर में संसार का मनुष्य भी झूठ बोलने को तैयार हो जाता है। और बड़ा विचित्र संसार हो गया रे भाई, जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी पर बड़े ध्यान से सुना, बड़ा विचित्र संसार है। सत्य तो बोल ही नहीं सकते हो, सत्य बोलोगे तो लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए थोड़ा बहुत असत्य बोलना पड़ता है। बस ब्रह्मा जी नीचे आ गए गाय को भी लेकर, केतकी के पुष्प को लेकर। भगवान विष्णु तो बैठे हुए थे शंकर जी के शिवलिंग के सामने, सामने शिवलिंग है, भगवान नारायण बैठे, बड़ा सुंदर दर्शन है देखिएगा जरा है। सामने शिवलिंग हो और भगवान विष्णु सम्मुख में बैठे, केवल शिव जी को निहार रहे हैं, ना कोई जल चढ़ाया जा रहा है, ना कोई धतूरा चढ़ाया जा रहा है, ना कोई बेलपत्र चढ़ाई जा रही है, ना कोई दिया लगाया जा रहा है, ना कोई शमी पत्र चढ़ाया जा रहा है, ना कोई वस्त्र, ना कोई आभूषण, ना कोई श्रृंगार चढ़ाया जा रहा है। बस केवल भगवान विष्णु शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में केवल बैठे हैं दर्शन कर। कभी मौका मिले तो एक बार कभी मौका मिले तो लिंग पुराण को पढ़ना, और लिंग पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि आप शंकर को अगर जल भी नहीं चढ़ाएं, आप शंकर को वस्त्र भी नहीं चढ़ाएं, आप शंकर को फूल भी ना चढ़ाएं, आप बेलपत्र भी ना चढ़ाएं, अगर शंकर को आपने कुछ भी ना चढ़ाया तो केवल शंकर के मंदिर में 2 क्षण जाकर उस शिवलिंग के सम्मुख में बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, केवल मौन होकर उसको निहार लो, केवल मौन होकर निहार लो, बहुत। वो गीत याद कर लो, आ बैठ मेरे पास में तुझे देखता रहूं। भगवान विष्णु शिव को निहार रहे, कुछ नहीं बोल रहे,
कुछ नहीं, बस केवल सामने शंकर है और भगवान विष्णु है। और फिर निवेदन करूंगा जो पहले की कथाओं में कहा, अधिक मास के महीने में कहा था कि जिस मंदिर में कोई ना जाए शंकर के, उस मंदिर में तुम जाओ। जिस शिव के मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ। जिस मंदिर में कोई झाड़ू ना लगाए उस मंदिर की बुआरी तुम काट लो। जिस मंदिर में कोई पोछा ना लगाए उस मंदिर का पोछा तुम लगाओ। जिस मंदिर में कोई बेलपत्र फूल ना चढ़ाए उस मंदिर में जाकर तुम आराधना करो। उस मंदिर तक तुम पहुंचो। जब एकांत में मेरे भगवान भूतेश्वर, जो भी शंकर होगा, कपिलेश्वर, कपालेश्वर, भूतेश्वर, पिपलेश्वर, बटकेश्वर, नर्मदेश्वर, जो भी वहां बैठा होगा, अपनी मस्ती में बैठा होगा, उसके पास जाकर आप दो क्षण बैठो तो कुछ मत बोलना, केवल उसका स्पर्श, उसका दीदार कर लेना। बाबा खुद दे देगा, कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। बहुत भोला है मेरा शंकर। एक चोर चोरी करने शिव जी के मंदिर में आया, कुछ भी नहीं था, कपड़ा उतारा, त्रिशूल में लपेटा, आग लगाई, चारों तरफ चोरी का सामान ढूंढने लगा। और चोरी का सामान ढूंढता ढूंढता शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? तो कहता है भोलेनाथ मैं आपको जाना नहीं। शंकर जी कहते मैं शिव, मांग तुझे क्या चाहिए? मैंने तो कुछ मांगने के लिए आपके मंदिर में आया नहीं, मैं तो चोरी करने आया था, चोरी का सामान देख रहा था, उजाला नहीं था, प्रकाश नहीं था, इसलिए आग लगाई। मैंने सोचा जंगल में, ये गांव के बाहर इस मंदिर में कुछ तो मिलेगा। शंकर जी कहते हैं आज शिवरात्रि का दिन है, मेरे मंदिर में तूने प्रकाश करा है, उजाला करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर बिठाता हूं। कुबेर को नीचे उतार देना, तू जाकर बैठ जाना। जैसे ही भगवान ने वर दिया, चोर सीधे पहुंच गया वहीं कुबेर के पास। कुबेर से कहा नीचे उतर। कुबेर बोले तू कौन? तो कि मैं चोट्टा। तो कि चोट्टा यहां कहां से आ गया? पहले नीचे उतर फिर बात करें। तो मुझे कौन नीचे उतर? बस शंकर जी ने बोला नीचे उतरो। इतना तेज प्रकाश था उस चोर का कि कुबेर अपने आप कुर्सी से नीचे उतर गया और कुर्सी पर वो चोर बैठ गया। कुबेर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी को लेकर, नारद जी को लेकर। क्या हुआ कि भगवान शंकर ने चोर को कुर्सी पर बिठा दिया। भगवान विष्णु बोले तो तू क्यों उतरा कुर्सी से? तो के बस वो बोला मेरे को उतरना पड़ा। वे उतरा क्यों थे? अब क्या करें? सारे देवता मिलकर शंकर जी के पास गए। भोलेनाथ, भगवान विष्णु ने पूछा भोलेनाथ आपने किसी को भेजा है? हाँ। तो के वहां पर पहले से तो कुबेर था। तो के बस उसने मेरे मंदिर में प्रकाश करा तो मैंने कह दिया तुझे कुबेर का सिंहासन मिल गया। भगवान विष्णु भी मुकुट उतर के माता को जाने लगे, बताओ चोट्टे को कुबेर बना दिया। अब कितना भोला होगा जो चोर को कुबेर बना सकता है। तो आप तो एक लोटा पानी चढ़ाए हो, उसकी आराधना करे हो, उसकी पूजन करे हो, उसकी चाकरी करे हो, तो क्या आपको नहीं दे सकता? आपको प्रदान नहीं कर सकता? क्या आदेश? जिस मंदिर में कोई ना हो, जिस मंदिर में शंकर अकेले बैठे हो, बस सामने नंदी और शिव, देख लो वहां आप जाओ और दिल से रिझाओ उसको दीजिए। दिल से कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना? भोलेनाथ दुनिया के लोग गंगा जी भर भर के कांवड़ लेकर आए, मैं कहां से लाऊं? कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे? ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे।
पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। एकांत में जब शिव मिले, भगवान विष्णु भगवान शिव के सम्मुख है, मेरा ओगड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव सम्मुख है और नारायण उनके सामने। ब्रह्मा जी पहुंच गए, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को उठाया, श्रीमन नारायण
हरि नारायण 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 बार बार ब्रह्मा कर रहे हैं, बार बार भगवान नारायण उठे, ब्रह्मदेव आप आ गए। हाँ क्या हुआ, गए थे तुम ऊपर तो भगवान शिवलिंग का छोर मिला कहीं? ब्रह्मा जी बोले पहले हम बात बताएंगे, पहले आप बताओ आप नीचे गए थे, पिताजी तो आपके। आपको कहीं चरण मिले भगवान शिव के? वो जो शिवलिंग रखा गया है वो शिवलिंग जहां रखा उसके चरण कहां? मिले आपको? भगवान नारायण ने एक शब्द कहा भगवान ब्रह्मा को, ए ब्रह्मदेव मैं गया बहुत नीचे तक पहुंचा, तलातल रसातल तक मैं पहुंच गया, पर मुझे भगवान के चरण नहीं मिले, इसलिए मैं पुनः वापिस आ गया। पुनः मैं वापिस आ गया हूं। अब देखिएगा जरा, भगवान विष्णु का नाम अभी तक नारायण था, हरि था, विष्णु था, सब कुछ था। आज भगवान का एक नया नामकरण संस्कार मेरे शंकर जी कर रहे हैं। शिवजी भगवान विष्णु का नाम आज जो नामकरण संस्कार कर रहे हैं वो सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। जो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का नाम लिखा, क्या बोले? जैसे ही बोले कि मैं गया पर मुझे कहीं चरण नहीं मिला, मैं वापिस आ गया, क्योंकि मैं जानता हूं पिता के मर्म को जानना कठिन है, मैं ये जानता हूं कि पिता के मर्म को नहीं जाना। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, नारायण तुम आज से सत्य नारायण। भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि केवल तुम नारायण नहीं हो, आज तुमने सत्य कहा। जो शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है वो सत्य ही तो प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम। अब तुम भले फूल दो, अगरबत्ती दो, दिया बत्ती दो, धतूरा दो, बेलपत्री दो, चूरमे का खूब भोग लगाओ, शंकर जी को खूब दूध दही से नहलाओ, तो भगवान शंकर से कहो कि हमारी मुराद पूरी कर दो, तो शंकर भगवान बोले तूने सब कुछ चढ़ाया, पर गेट पे जब आ रही थी मंदिर के किसी ने फोन पर पूछा जीजी कहाँ है, तो तू बोली बस मैं निकली हूँ ऑफिस के लिए। अब मंदिर में आ रही और क्या ऑफिस के लिए निकली हूँ, तो झूठ तो तू वहीं बोल दी। अब बोल तेरा ये सब कुछ चढ़ाना मुझे स्वीकार होगा? कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के जमाने में लोग किसी गुरु से मिलने के लिए जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजन में बैठे रहते हैं, तो अपने मित्रों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं पूजन करता हूं, अपने दोस्तों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं मंदिर में जाता हूं, किसी के दोस्तों को ये नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि मैं हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, किसी दोस्तों को ये नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि मैं मम्मी पापा को प्रणाम करता हूं, क्यों? उसमें मेरी शान घट जाएगी। तो दुनिया के लोग आज के जमाने में बताना ही पसंद नहीं करते कि मैं मंदिर जाता हूं। अरे भाई छाती ठोक कर कहना चाहिए कि हम ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं, छाती ठोक कर कहना चाहिए हम शंकर के मंदिर जाते हैं, हम शिव के उपासक हैं, हम राम के उपासक, हम कृष्ण के उपासक हैं, हम माता पिता के चरणों को प्रणाम करते हैं, छाती ठोक कर कहो। सारे धर्मों में आप जहां जहां रह रहे होगे, ये पूरे विश्व के लोग जो कथा सुन रहे हैं, चाहे वो टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, आप अपने आसपास के जितने मंदिर देवालय हैं
उन सबको देखना, जितने भी तीर्थ, जितने भी मंदिर देवालय या जो अन्य अन्य देवता उनके मंदिर हों या फिर अन्य धर्म के स्थान हों, वहाँ पर सुबह सुबह से बच्चों को भेज दिया जाता है, जाओ मंदिर जी हो के आओ, जाओ वहाँ होकर आओ। छोटे छोटे बच्चे हाथ में थोड़ा थोड़ा सामान लेकर, चावल लेकर, कुछ लेकर मंदिरों में जाते हैं। पर हमारे घर के बच्चों से कह दिया जाए, जा आज तेरा एग्जाम है, भगवान को प्रणाम करिया, मंदिर तक हो जा जरा, हाँ। इतनी देर में पढ़ाई नहीं कर लूंगा, अब इतना पढ़ पढ़ के ओंदा हो गया कि सप्लीमेंट्री ले आया। भैया पढ़ाई हमने भी करी और आपने भी करी होगी, जितने लोग बैठे रहे भाई, जितने टीवी के सामने बैठे। हमारी माताजी हमसे कहती थी, हमारे पिताजी हमसे कहते थे कि जब एग्जाम देने जाओ उसके आधे घंटे पहले, एक घंटे पहले पढ़ना बंद कर दो। आपसे भी कहा होगा, बच्चों को कहो, फिर निवेदन करूंगा, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। उस नस्ल को हमें संवारना है। उस नस्ल को संवारना, उसको संवारते हुए हमें चलना है। महाराज ब्रह्मा जी जान नहीं पाए, ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्मदेव मुझे चरण नहीं मिले। भगवान शंकर के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, आज से नारायण तुम सत्यनारायण हो, सत्यनारायण आप हो। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रारंभ, सत्यनारायण भगवान की कथा निकली कहां से है, तो कहा स्कंद पुराण से निकली। कोई आपसे पूछ ले कि सत्यनारायण कथा का जन्म कहां से हुआ, तो आप बता सकते हो कि सत्यनारायण कथा की जन्मदाता है स्कंद पुराण। भगवान स्कंद महाराज, भगवान शिव के पुत्र, भगवान शंकर की पावन कथा से सत्यनारायण कथा का प्रागट्य हुआ। दो चरित्र बहुत जिंदगी में याद रखना, एक आज तक लोगों को यह नहीं मालूम कि सत्यनारायण की कथा कौन सी है, तुम्हें मालूम है क्या? जितने लोग टीवी पे सुन रहे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, आपको मालूम है सत्यनारायण जी की कथा कौन सी है? पूरी कथा को पढ़कर देखना, उसमें लिखा मिल जाएगा कि एक व्यक्ति था, वो गया, उसके पास में कुछ भी नहीं था, ब्राह्मण था, बहुत दरिद्र था, और उसने फिर कहीं पर पूजन करते हुए देखा, तब उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, और कथा सुनी तो पूजन करी, तो वो कथा है कौन सी जो उसने सुनी थी? फिर चरित्र आया, लीलावती कलावती ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी जो करवाई? और फिर एक लाइन, हनुमान चालीसा में भी आती है, तुमरो मंत्र, जम के बोलो, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश भर भये। तो विभीषण को वो मंत्र कौन सा दिया था हनुमान जी ने? वो मंत्र ढूंढ के लाओ, तुमरो मंत्र विभीषण माना, और माना तो लंका का राजा आखिरी में विभीषण बन गया, तो ऐसा कौन सा मंत्र था जो हनुमान जी ने विभीषण को दिया था, और वो कौन सी सत्यनारायण की कथा थी जिस कथा को आज तक लोग पूर्णिमा पर करवाते हैं, 5 अध्याय बचे जाते हैं, पर उसमें ये तो ज्ञात हो कि वो कथा थी कौन सी। इति श्री देवाखंडे, वो कथा कौन सी? और वो कथा कोई दूसरी नहीं, स्कंद पुराण कहती है, जिस समय पर ब्रह्मा भगवान विष्णु को हिलाकर कहते हैं, ए नारायण आपको क्या चरण मिले, और उस स्थान पर भगवान नारायण केवल सत्य बोल देते हैं, बस
वही सत्य का प्रमाण सम्मुख में आता है और भगवान शंकर शिवलिंग से बाहर निकलकर भगवान विष्णु को गले से लगाकर कहते हैं, नारायण आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा। और सुनो नारायण, जैसे एक कलश में जल भरा जाता है, उस कलश में तुम सत्य का प्रतीक मानकर भरे जाओगे, सत्य का प्रतीक मानकर रखे जाओगे। इसलिए आज भी बड़े से बड़े अनुष्ठान कर लो, यज्ञ कर लो, पूजन कर लो, पाठ कर लो, कोई अनुष्ठान करवा लो, उसके कलश आज भी पूजन की वेदी पर कलश रखाता है जिसमें पानी भराया जाता है, वो सत्यता का प्रतीक है। सत्यनारायण की कथा में कलश की बड़ी महत्वता है और कहा, हे नारायण तुमने मेरे सम्मुख में सत्य कहा है, जैसे मेरा मन प्रफुल्लित हुआ और मैंने आपको नाम का दान दिया, मैं आपको कहता हूं हे नारायण, ये कलश के रूप में तुम जिस जिस घर में विराजमान होगे वहां तुम संपदा भर दोगे। इसलिए वो सत्यनारायण की कथा कोई दूसरी नहीं है, यही स्कंद पुराण की, यही शिव पुराण का एक मूल चरित्र स्कंद पुराण से लिया गया। समय मिले आपको तो स्कंद पुराण पढ़ना, उस स्कंद पुराण में से सत्यनारायण की कथा को निकालना। सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण से निकली, जन्मदाता स्कंद पुराण उसका। ऐसे कई प्रश्न है महाराज, जरा जरा से बच्चे अपन से पूछ लेते हैं, मम्मी तुम सत्यनारायण की कथा हर पूर्णिमा पे कराती हो, इसमें लिखा हुआ है लीलावती ने कथा कराई, फिर लक्कड़हारे ने कथा कराई, तो वो कथा कौन सी? तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये कथा है, बच्चों को कहना पड़ेगा कि ये कथा है, नहीं तो करते करते तो तुम्हारी जिंदगी हो गई, बाल धोला हो गया सत्यनारायण की कथा करवाते करवाते, अभी तक नहीं मालूम कि वो कथा कौन सी थी, अभी तक ज्ञात नहीं गया कि कथा है कौन सी। अमरावती से कोई गायकवाड़ है, उनका गणेश जी गायकवाड़ ऐसा कोई नाम है, उन्होंने एक प्रश्न किया है, खरमास का मतलब क्या होता है? अबे सीधी सीधी बात है, खरमास, खर मतलब गधा, ठीक है, तो ये खरमास मतलब गधे का महीना, गधे का महीना नहीं भाई, उसको याद करिए, सूर्य नारायण भगवान को बिना रुके चलने की आज्ञा है, बस चलते रहना है उनके अश्वों के साथ में, सूर्य नारायण भगवान को अपनी यात्रा पूर्ण करना है, चलते रहो रुकना नहीं है। और सूर्य नारायण भगवान चलते रहते चलते रहते चलते रहते, सूर्य नारायण भगवान को याद आया कि मेरे घोड़े चलते चलते थक गए होंगे, पानी कहां पिए महाराज? मार्कंडे पुराण का चरित्र है, बहुत ध्यान से मौका मिले मार्कंडे पुराण निकालकर उसमें पढ़ना, मिल जाएगा। सूर्य नारायण भगवान चलते चलते विचार करने लगे कि मेरे घोड़े प्यासे हैं, इनको क्या पिलाऊं? तब एक क्षण के लिए सूर्य नारायण भगवान ने अपने घोड़ों को रोक दिया और जल का एक कुंड देखकर वहां घोड़ों को पानी पिलाया। जैसे ही पानी पिलाया तो सूर्य नारायण भगवान को फिर ज्ञात हुआ कि रुकना तो है ही नहीं, करें क्या, घोड़े तो पानी पीने में लग गए। सूर्य नारायण भगवान ने देखा वहां पर गधे खड़े हुए थे, नारायण ने तुरंत उसी समय सूर्यदेव ने उन गधों को रथ में लगा लिया और उनको लेकर चल दिए। गधों को कहते हैं खर, इसलिए जब तक गधे उस रथ में लगे रहे, जिस समय तक चलता रहा वो खरमास कहला गया। फिर वापिस घोड़े आ गए, गधों को निकाल दिया गया और रथ फिर आगे बढ़ गया। तो आपने प्रश्न किया है उसको आनंद से आप सुन लीजिए, आनंद लीजिए कि खरमास क्यों कहलाता है। इसलिए इसमें शुभ कार्य नहीं होते, विवाह शादी आदि आदि फंक्शन कुछ नहीं होता, पर आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि थोड़ा गार्डन मार्डन थोड़े फ्री मिल जाएंगे तो लोग, दुनिया के लोग इसी समय पे शादी करते हैं और बाद में फिर आंख में से आंसू बहाते, हमारी बहू ऐसी मिली महाराज, ऐसा हो गया महाराज, अब महाराज क्या करे बेचारा, ये बताओ महाराज क्या करेगा, थोड़ा सोच समझ कर कार्य करिए कि हम जो शुभ कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो किस समय पर करना चाहिए। हाँ भजन करो,
कीर्तन करो, संकीर्तन करो, कथा करवाओ, नाम जाप करो, स्मरण करो, खूब अनुष्ठान करो, तुम भगवत नाम का जाप करो, ये तो तुम कभी भी कर सकते हो जीवन पर्यंत में कभी भी, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भजन का भी भरोसा नहीं, करते रहो, कभी भी आ जाए तो ठिकाना किसका, ना जाने का फोटो टंग जाए, इसलिए भजन में पीछे मत, भजन तो करते रहो, नाम जाप करते रहो, नाम स्मरण करते रहो, उसमें पीछे नहीं हट महाराज। तो फिर वर्णन आया आगे जो चरित्र कहा महाराज, तो एक मंत्र तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। महाराज वो मंत्र कौन सा है जो दिया जा रहा है, वो मंत्र कौन सा है जो प्रदान किया जा रहा है। हनुमान जी महाराज ने वो मंत्र जो विभीषण को दिया, और एक विभीषण जिसको लात मार दी गई, एक विभीषण जिसको लात मार कर निकाल दिया गया, जिसके घर का भी ठिकाना नहीं था, वो विभीषण एक छोटे से मंदिर में जो रहता था, तुलसी का क्यारा जिसके दरवाजे पर था, और वो विभीषण जब सीख रावण को देता है, तो वही विभीषण को जब लात मार कर निकाल दिया जाता है, तो वो मंत्र कौन सा था जिसको विभीषण ने जपा और विभीषण लंका का अधिपति बन गया, सत्ताधारी वैभवशाली, वो मंत्र कौन सा। केवल एक मंत्र जो श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण को दिया महाराज, वो मंत्र कोई दूसरा नहीं था, केवल भगवान का नाम विभीषण को प्रदान किया था। क्यों? क्योंकि विभीषण के दरवाजे पर जब हनुमान जी महाराज पहुंचे थे, विभीषण के द्वार पर जब हनुमान जी महाराज पहुंचे, तो विभीषण के दरवाजे पर जाकर क्या देखते हैं कि सब कुछ विभीषण के यहां पर है, और विभीषण लगा हुआ है, कभी यहां पर प्रणाम करता है, कभी वहां प्रणाम करता है, कभी विभीषण यहां जाता है यहां नमन करता है, कभी विभीषण वहां नमन करता है, कभी विभीषण इस स्थान पर जाता है, विभीषण यहां वहां डोल रहा है, ये हनुमान जी देख रहे हैं, ये हनुमान जी को नजर आ रहा है। हनुमान जी समझ गए ये डोलता रहेगा भगवान नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसको एक मंत्र दे दिया है। और सतगुरु होता ही ऐसा है, पानी पियो छान गुरु करो जान, बहुत सोच समझ के गुरु करना पड़ता है महाराज, बहुत सोच समझ के, नहीं तो आज के जमाने में तो गुरु भी इतने खूब न। गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पल्ली फापा हम ही को देओ। आज के जमाने में गुरु भी ऐसे हैं कि तुम चाहे मंत्र लेने के बाद जपो ना जपो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, गुरु को कोई मतलब नहीं, उसको तो माल से मतलब दिए जाओ, ऐसा गुरु नहीं चाहिए, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु जो भ्रम से हटा दे, गुरु वो जो तुम्हें भ्रांतियों से दूर कर दे, और केवल भगवत स्मरण में, कीर्तन में, भगवत नाम में किसी भी तरह से भगवान से जोड़ दे, बस तुम शिव का स्मरण करो, राम का स्मरण करो, चाहे कृष्ण का स्मरण करो, पर करो भगवत नाम जपो, किसी भी भाव से पर जपो। और महाराज जो नाम दिल से प्रभु का रहता है, भगवान उसकी अपने आप सुन लेता है। भगवान का नाम पड़ गया श्री सत्यनारायण, और सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रारंभ ही यही शिव कथा से, रामायण का प्रारंभ भी शिव कथा से, भागवत का प्रारंभ भी शिव कथा से, विष्णु पुराण भी शिव कथा से। ऐसी कोई पुराण बता दो जिसमें सबसे पहले शंकर का चरित्र नहीं आया, सबसे पहले सारी पुराण उठाइए और सबसे पहले चरित्र मिलेगा मेरे भोलेनाथ का, सबसे पहले चरित्र मिलेगा मेरे शिव का, मेरे शंभू का। और वो चरित्र आनंद का देने वाला महाराज, कह दिया ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु जैसे ही बोले कि मुझे मैंने नहीं दर्शन करे, तुम सत्य नारायण, पर ब्रह्मदेव आप तो गए थे, क्या आपको भगवान के शीश का दर्शन हुआ है? ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले हाँ,
मुझे भगवान शंकर के छोर का शीश का दर्शन हुआ है। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, हे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, यह तुम्हारी वाणी असत्य है। ब्रह्मा जी चारों तरफ मुख घुमाकर देखते हैं कि ये आवाज कहां से आ रही, तो भगवान विष्णु से पूछा ये कौन बोला है। भगवान विष्णु बोलते हैं, ब्रह्मादेव जिस शिवलिंग का तुम सिर देखने गए थे, जिस शिवलिंग का तुम छोर देखने के लिए गए थे, ये वही शिवलिंग की वाणी है, उसी में से आवाज आ रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, ना मानो तो भगवान न रहे, आप केतकी के पुष्प से पूछो, यदि मान लो आपको विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, तो केतकी के पुष्प से पूछा जाए। केतकी के फूल को भगवान विष्णु ने हाथ में लिया, भगवान नारायण ने केतकी के पुष्प को हस्त में लिया, कितनी विचित्र बात है, जरा बहुत ध्यान से सुनना। अग्नि पुराण में लिखा है कि केतकी का पुष्प सारे देवताओं को सीधे हाथ की ओर समर्पित होता है। बहुत ध्यान देना जरा अग्नि पुराण के वाक्य पर, केतकी का पुष्प भगवान के सीधे भाग की ओर अग्रण्य भाग में राइट हैंड में भगवान देवताओं को समर्पित होता है, पर केतकी का पुष्प भगवान विष्णु के सीधे हाथ की ओर समर्पित ही नहीं होता, वो आता ही उल्टे हाथ पर। और केतकी का जो पुष्प होता है, उस पुष्प को जब समर्पित करते हैं हम भगवान के सामने, अगर किसी भी देवता के सामने हम चढ़ाते हैं अगर भाग में, तो केतकी के पुष्प को जब चढ़ाते हैं तो राइट हैंड में तो चढ़ाते हैं और भाग भगवान की ओर रखते हैं, पर सारे पुष्पों का भाग केतकी के पुष्प का हो, चाहे सारे पुष्पों का भाग हो, तो भगवान के अग्र भाग में भगवान के सम्मुख में होता है। पर केतकी का जो पुष्प होता है, केतकी का पुष्प जो समर्पित किया जाता है, वो केतकी का पुष्प जब भगवान विष्णु के सम्मुख में आता है, तो उसका अग्र भाग, ये जो पीछे का भाग होता है, ये भगवान नारायण के सम्मुख में होता है और अग्र भाग सामने होता है, और वो भी उल्टे हाथ पर, सीधे हाथ पे होता ही नहीं। महाराज केतकी के पुष्प को भगवान विष्णु ने अपने हस्त कमल में लिया। भगवान ने पूछा, एक केतकी बताओ, क्या ब्रह्मा जी को शंकर के शिवलिंग का छोर मिल गया? केतकी का पुष्प बोला हां। भगवान ब्रह्मा को केतकी का पुष्प कह रहा है कि भगवान शंकर के शिवलिंग का छोर मिल गया? हां, आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, ये केतकी का पुष्प झूठ बोल रहा है, ये केतकी का पुष्प असत्य बोल रहा है। और भगवान की आकाशवाणी हुई और शिवलिंग में से आवाज आई, अरे केतकी के पुष्प, तो मेरे शिवलिंग के सामने झूठ बोला है और असत्य मुझे पसंद नहीं है, तो तूने असत्य बोला है, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी ये केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा, इसलिए सारे फूल पत्ती, तुम नीम की पत्ती शंकर पे चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, पेड़ों की पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो, शिव स्वीकार करते हैं पर शंकर कभी केतकी के पुष्प को स्वीकार नहीं करते, केतकी का पुष्प नहीं होना। हजार गौ हत्या के बराबर केतकी का पुष्प शिव स्वीकार करते ही। शिव की स्वीकृति नहीं, देखो कितनी विचित्र बात है, शंकर भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती, केवल एक बैकुंठ चतुर्दशी के दिन चढ़ती है, वो भी रात्रि के समय पर 12 से 4 के बीच में, पर शंकर भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती, पर पद्म पुराण कहती है कि शंकर भगवान के मंदिर के बाहर जो तुलसी का वृंद लगाया जाता है, शिव जी के मंदिर के बाहर जो तुलसी का पौधा लगा रहता है या लगाया जाता है, उस तुलसी के पौधे में
जितनी मंजरियां लगती हैं, उस मंजरियों में जितने दाने लगते हैं उतने दाने गिन लिए जाएं और उतने समय का बैकुंठ का वास उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है मृत्यु के बाद। इतना विचित्र बात है, शंकर को तुलसी नहीं चढ़ते पर शंकर के दरवाजे के बाहर शिव के द्वार पर जो तुलसी का पौधा लगा है, किसी ने लगाया है, किसी ने रोपित करा है, उस पौधे में जितनी मंजरियां लगी हैं, उस मंजरियों में जितने दाने लगे हैं, उस दाने जितने हैं उसको काउंट करा जाए, उसके बराबर उतने ही हजार वर्षों तक उस जीवात्मा को बैकुंठ का वास मिलता है। क्यों? उसकी कथा भी यहां पर वर्णन है। जब भगवान विष्णु सामने शंकर के बैठे थे और भगवान शिव ने जब सत्यनारायण नाम रख दिया था, तब भगवान विष्णु शिव से कहते हैं नारायण, भगवान शंकर से कहते हैं भोलेनाथ त्रिकाल दर्शी कैलाशी अविनाशी हे शिव, मेरे सारे विग्रह के साथ में लक्ष्मी मेरे साथ में, बहुत ध्यान देना महाराज, मैं अगर नारायण रूप में हूं तो लक्ष्मी मेरे साथ में, मैं राम रूप में हूं तो सीता मेरे साथ में, मैं कृष्ण रूप में हूं तो राधा मेरे साथ में, मैं रंगनाथ रूप में हूं तो गोदा मेरे साथ में, मेरे साथ में लक्ष्मी सदा विराजमान है, पर आज आपने मेरा जो सत्यनारायण नाम रखा है मैं अपना संग किसको लूं? तब भगवान शिव ने कहा आप जब बाहर निकलें जो रोपित मिले बस वही आपको समर्पित हो। तुलसी का पौधा रोपित था, उस तुलसी के दल को भगवान नारायण ने अपना संग बनाया। और बहुत ध्यान देना, सत्यनारायण की कथा हो चाहे भागवत की कथा हो चाहे विष्णु पुराण की कथा हो, इन सभी कथाओं में सबसे ज्यादा प्रसाद की महत्वता नहीं है जितनी तुलसी के दल की महत्वता है। क्योंकि सत्यनारायण के साथ में हरि के साथ तुलसी का स्मरण है, तुलसी का। तो शिव पुराण कह रही है ब्रह्मा जी केतकी के सम्मुख में आकाशवाणी हो गई तो झूठ बोलती है, सारे देवताओं पर चढ़ेगी पर शिव पर नहीं। केतकी बोली मैं झूठ नहीं बोलती, ना मानो तो गौ माता से पूछो। भगवान विष्णु ने गौ माता को देखकर, भगवान विष्णु गौ माता को देखकर तुरंत बोले हे गौ मां आप तो बोलो, क्या ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग का छोर पा लिया, क्या शीश देख लिया? गौ माता बोली हां। हाँ? कितना सरल होता है, अदालत में खड़े होते हैं, गीता जी सामने रखी जाती है, हाथ रख के बोलो, प्रयास करना शंकर के मंदिर के बाहर शिव के ओटले पर शंकर की चौखट पर शिव महापुराण में शंकर के दरवाजे पर जिंदगी में कभी झूठ मत बोलो। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म कहता है पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं होती थी, व्यक्ति को अगर कुछ सत्य बुलवाना होता था शंकर के मंदिर में ले जाते थे और शिव के मंदिर में ले जाके कहते उठा गंगा जल और कह दे तूने ये नहीं करा। पहले अदालत नहीं होती थी, पंचायत नहीं होती थी, शंकर के मंदिर में ले जाकर कहते थे उठा गंगा जल और कह दे कि तूने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि गंगा जल उठाना मतलब शंकर को हाथ में उठा लेना, क्योंकि शिव की जटा में गंगा, और उस समय पर जो व्यक्ति बोलता था बस वो सत्य माना जाता था। क्यों? क्योंकि शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि शंकर के दरवाजे पर बोला गया झूठ, शिव के मंदिर में बोला गया असत्य। व्यक्ति का जब बुढ़ापा आता है, जब वो मरता है तो इतना शरीर में कष्ट होता है, इतनी बीमारी उसको लग जाती है कि वो ठीक ही नहीं हो पाता, कर रहा है, तड़प रहा है, मर रहा है।
प्राण कैसे छूटे, कैसे। कई लोगों के फोन आते हैं, गुरु जी हमने हमारी माता जी को 15 बार तो गीता जी सुना दी, 4-5 बार नीचे लीप कर सुला दिया, फिर वो उठकर बैठ गए, फिर ठीक हो गई, फिर वापस पलंग पे सुलाया। हमने 2-4 बार गीता जी सुना दी, गंगा जल पिला दिया, तुलसी दल खिला दिया, पर अम्मा तड़प रही है, पलंग पर गंदगी कर रही है, पर प्राण नहीं छूट रहे। गुरु जी हमने सब कर लिया, गजेंद्र मोक्ष करा, गौदान करा, अन्नदान करा, वस्त्रदान सब कुछ करा, पर ये मुक्ति क्यों नहीं मिल रही, कारण क्या है। बस फिर व्यक्ति बहुत तड़पता है, पलंग पर पड़ा रहता है, उसकी जब मुक्ति नहीं होती तो एक ही काम किया जाता है जो स्कंद पुराण में लिखा है, हाथ में तांबे के लोटे में जल भरा जाता है, 7 चावल के दाने उसमें डाले जाते हैं, फिर 7 चावल के दाने डालकर 2 दुर्वा उसमें पटकी जाती है, जो मर रहा है, तड़प रहा है, प्राण नहीं छूट रहे, उसका सीधा हाथ उस पे लगाया जाता है और उसको शिव जी को ले जाकर चढ़ा दिया जाता है, फिर उसकी 3 दिन में 5 दिन में मुक्ति हो जाती। ये स्कंद पुराण कहती है, क्यों, क्योंकि शंकर का जो दोष उसने करा है उस दोष को मिटाने का तरीका ही है, जो दोष किया। महाराज शिव का एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज है, शंकर का एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है, एक आंकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते कर हनुमान चालीसा का पाठ कर 3 बार स्मरण कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए, पर करना आपको पड़ेगा, प्रदोष का दिन होना चाहिए, प्रदोष के भगवान, और प्रयास जहां तक हो सके प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फलदायी रहेगा प्रदोष काल के। तीसरी है आंकड़े की माला महाराज, आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है, मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता, 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। महाराज इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं है, बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना है। महाराज एक घी का एक तेल और अपनी कामना कर आप आ जाइए, आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। अब आप कहेंगे महाराज जी ये कौन सी पुराण से लिया है, तो आप इसको लिंग पुराण के अंदर देख सकते हैं, आप गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण लीजिए, उसके अंतर्गत आप इसका व्याख्यान वर्णन पढ़ सकते हैं। महाराज एक एक क्रम हमारे शास्त्रों का हम उसको बस ज्ञात करें, हम इधर उधर डोले नहीं, हमारी पुराणों में इतनी इतने लेख लिखे गए हैं, उसको ही अगर हमने निकाल लिया तो हम जीवन में सुख पा सकते हैं, हम दुखी नहीं हो सकते। गौ माता जैसे ही बोली कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, झूठ बोल दी। महाराज जैसे ही बोला शिवलिंग में से आकाशवाणी आ गई, ए गौ माता तू झूठ बोल रही है, तू जगत की मां होकर ए गौ माता तूने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, ए गाय मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होंगे,
वस्त्र दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, कन्या दान, अन्न दान, भूमि दान, जितने भी दान होंगे वो आगे से होंगे, पर गौ दान कभी आगे से नहीं होगा। गाय का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाएगा, क्योंकि तू झूठ बोली है, तू असत्य बोली। गौ माता तूने झूठ कहा। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होगी, मंदिर की, देवालय की, देवता की, नदी, तालाब, सरोवर जिसकी भी करेंगे वो आगे से करेंगे, पर ये गौ माता शिव कह रहे हैं, शंकर की वाणी निकली है, तो झूठ बोली है, तेरी परिक्रमा पीछे से प्रारंभ हो। इसीलिए गौ माता की परिक्रमा गाय के पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पे विराम होता है। तो झूठ बोली। गौ माता के नयन से जल बहा और नयनों से जल बहकर गौ माता कहती है कि ब्रह्मा के कारण आज मुझे झूठ बोलना पड़ा और शिव का मुझे श्राप लगा। ब्रह्मदेव बोले ये आकाशवाणी झूठी है जो गौ माता को श्राप दे रही है। फिर कहूं आपको किसी से मत डरो, माता पिता बड़े बुजुर्ग कोई से मत डरो, शिव पुराण कहती है पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। गौ माता ने एक झूठ बोला, श्राप मिला कि तेरा मुख अशुद्ध होगा। कर्म का भोग भोगना और वो भोगना पड़ेगा। इसलिए फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सिम कार्ड लगा हुआ है उसको सब पता है। तुम सत्य बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो? कितना झूठ, कितना कपट, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच, कितना धर्म, कितना अधर्म, उसके पास सारा लेखा मिलेगा। जब जाओगे फाइल तैयार, पूरा हिसाब लेगा। 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस मनुष्य के शरीर से निकल रही है, एक एक श्वास का पूछेगा, एक एक श्वास का। बोल कहां गवर, भजन कितना करा, शिव पुराण कितनी सुनी, और कितनी सुंदर बात लिखी है महाराज वेदव्यास जी ने कि जितना तुमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, तुम्हारे मरने के समय पर तुमने कपट करा, झूठ बोला, बेईमानी करी, प्रपंच करा, क्योंकि तुम अच्छा काम भी करते हो तो झूठ भी बोल लेते हो, तुम अच्छा काम करते हो तो कपट भी कर लेते हो, तुम अच्छा काम करते हो तो प्रपंच भी कर लेते हो, तो तुमने जो पुण्य करा वो समाप्त भी तो होता है ना भाई। व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमा रहा है पर खर्चा भी तो जोड़ रहे उसका, तो मैं तो लगा 10,000 रुपये महीना, अब खर्च जोड़ गैस की टंकी, बोलते तो जाओ, गई सासू की, बिजली का बिल 1,000 रुपये का, बच्चों की ट्यूशन फीस, फिर मेहमान आ गए, फिर घर का खर्चा, राशन का सामान, उसने तो 10,000 रुपये महीना कमाया, पर मालूम पड़े 10,000 तो कमाया, ऊपर से कर्जा अलग हो गया, मालूम पड़े मोहल्ले में शादी निकल गई, रिश्तेदारों में शादी निकल गई, जाना आना पड़ गया, पैसा तो खर्च हो गया, तो कर्जा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बस उसी तरह हमने पुण्य तो खूब कमाया 10,000 रुपये महीना, पर खर्चा भी तो देखो, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, खत्म, झूठ बोल दिए, खत्म, अपशब्द बोला, खत्म। अब मालूम पड़े मरे तब तक वो 10,000 रुपये महीना कमाया तो खूब था, पर वो पुण्य सारा समाप्त हो गया, पाप इतना बढ़ गया, अब ऊपर जाते से झगड़ा कर रहा, हमने तो खूब दान करा था, सियोर वाला महाराज ने कथा करी तो हमने तो खूब दान करा, हमने तो पुण्य भी करा, हमने तो ये भी करा, हमने तो वो भी करा, फिर हमारा पुण्य कहां गया, तो यमराज के का सब खत्म हो गया। नीचे से जब तू चला, इतना झूठ बोला, पुण्य तो खूब कमाया, पाप भी तो देख, खर्चा भी तो हुआ, सब समाप्त, ऊपर जाके रो लिया, अब क्या होगा तेरा कालिया, अब होगा क्या। नीचे लोगों ने बस इतना बड़ा फोटो टांग दिया स्माइल वाला, अब ये भी नहीं पता पड़ रहा कि ऊपर कितना दोचा जा रहा, बस
स्माइल वाला फोटो टंग रहा। कितना सुंदर वेद व्यास जी ने लिखा, तुम्हारा सारा पुण्य जो जो तुमने करा तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है समाप्त हो जाए, पर वेद व्यास जी लिखते हैं जिंदगी का एक पुण्य है, वो है शिव महापुराण का पुण्य। जिसने सुन ली वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि शंकर के मंदिर में करा गया दान, शंकर के मंदिर में दिया गया पुण्य, शंकर के मंदिर में लगाया गया धन और शिव महापुराण का स्मरण कभी समाप्त नहीं होता। वो अजर और अमर है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है रे, जितने लोग पुराण सुन रहे, जितने लोग शिव पुराण सुन रहे, डरना मत ही बिल्कुल भी। यमराज आ भी जाए, जैसे वो राम जी महाराज ने हनुमान जी को भेजा था ना मुद्रा ढूंढने के लिए कि चले जा दादा, यमराज तेरे से डरे, आएगा ही नहीं मुझे लेने, और ऊपर से खबर आ रही कि आओ आओ, हनुमान जी बोले छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब तू नहीं जाए तो यमराज कैसे आए। तो हनुमान जी को भेज दिया मुद्री का ढूंढने, यमराज तब आया और यमराज राम जी से बोला जल्दी चलो, हनुमान आ जाएगा जल्दी चलो। तो बस यही हाल है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जिन जिन ने शिव महापुराण की कथा सुनी है, एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, एकाग्र ध्यान और एकाग्र भक्ति से अपने घर पर बैठकर सुनी, भले टीवी चैनल के माध्यम से, भले मोबाइल पर सुनी, दिन में समय नहीं मिला तो रात को सुनी, पर सुनी तो जिसने जिस भाव से सुनी, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत डरना, और बल्कि लड़ लेना। मेरो क्या तो करेगा यमराज जब गुरु मेरो समरथ है, नहीं मारी खेती ने नहीं मारी पाती, नहीं मारा संगीन नहीं मारा साथी, मेरो एक ही मंत्र महान कि गुरु मेरो समरथ है। फिर क्या डरना, यमराज भी कह देगा भैया रेंदे तूने शिव पुराण सुनी, तुझे शंकर जी ले जाएंगे, मैं तो ले ही नहीं जा सकता, छुट्टी बस। तो फिर तू जा, काय को आया भैंसा को लेके, पाड़ा को लेके चल निकल। और बाद में प्राण छूटे और सामने नंदी पर मेरा शिव जगदम्बा को लेकर खड़ा हो, तब बाबा से कह देना बस आज मालूम पड़ा कि शिव पुराण का फल यही है, बस यही, और मेरा बाबा मेरे सम्मुख में खड़ा मिल गया, बस यही मेरा पुण्य है, यही पुण्य। इसीलिए आपको कहते हैं जो नहीं भी सुन रहे उनको कहो सुनो, चैनल पर आ रही है सुनिए, नहीं सुन सकते तो फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, पर सुनो। शिव महापुराण सहज नहीं है, सरल नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, भागवत बारंबार मिल सकती है पर शिव पुराण नहीं। ए गौ माता तू झूठ बोली, ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और शिवलिंग में से शिव जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे के नखून को तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। देखो सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, पर असत्य को प्रमाण देना पड़ता, बार बार झूठ बोलना पड़ता, एक बार अगर झूठ बोलती है ना तो झूठ बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। एक सासू जी से हमने पूछ लिया, क्यों बहुनी आ रही तुम्हारी कथा में, हाँ ना गुरुजी बच्चों का एग्जाम चल रहे हैं ना इसलिए। अच्छा अब एक दिन कहीं गए तो वो बहू मिल गई, क्यों तू कथा में नहीं आ रही बेटा, अरे गुरुजी आ तो जाती परंतु हमारी मम्मी बोली कि तू घर में रह। बता तेरी सास तो बोल रही थी कि बच्चों के एग्जाम चल रहे, हमारे बच्चों के थोड़े ना चल रहे, इतने में सास बाहर निकल, मैं हमारे बच्चों के थोड़े ना कह रही थी, तो पड़ोसी के बच्चे के चल रहे। अच्छा अब एक झूठ के लिए फिर दूसरा झूठ बोला, तो इतने में उसकी पड़ोसन आ गई, हमने पड़ोसन से पूछ लिया बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी एग्जाम चल रहे हैं, कहीं नहीं एग्जाम तो कब का हो गया, के डोकरी तो बोली अभी बोली। क्यों झूठ बोलो, सत्य बोलो, मरने के बाद बोलेंगे लोग राम नाम, क्योंकि शंकर जी के दरवाजे पर ले जाते तो यही बोलते ले जाते हैं कि भगवान जैसा भी है पर अभी तो हम सत्य बोल रहे हैं, स्वीकार कर लो, जब दुनिया के लोग बोले तो पहले ही बोल लो, बोलो राम नाम सत्य, बस अच्छे से बोल लो, अपन तो बोल ही नहीं पाएंगे इसलिए अभी बोल लो, यही जीवन है। और बिल्कुल लोग दिवाली दशहरे पे मिलने जाए तो हैप्पी दिवाली कहें हैप्पी होली कहें, हम उनसे कहते बिल्कुल मत बोलो, जाते से बोलो काका जी राम नाम सत्य, काका जी कुर्सी से नीचे,
काका जी के मेरा बुरा चाहे नहीं नहीं, मरने के बाद बोल नहीं पाएंगे तो आज बोलिए थोड़ा सा जीवन को सत्यमय बनाओ। अब हो गया झूठ प्रबंध, खूब मोबाइल पे झूठ बोले बेटे, यहाँ थे बोलते वहाँ थे, निकलते थे दुकान के लिए कहते थे घर आ रहा हूँ, तो दिन भर का झूठ छोड़ो साहब, थोड़ा सा सत्य। मैं एक नियम धारण करो कि सोमवार के दिन मैं दिन भर सत्य बोलूंगा। ये बात हमने एक बार कहीं झारखंड की कथा में कह दी, तो उनका बेटा आ गया, वो बोला गुरुजी ऐसी प्रतिज्ञा मत दिला। हमने पूछा क्यों? पत्नी सुबह से उठकर पूछती है मैं कैसी लग रही, अब तुम ऐसी प्रतिज्ञा दिला दो अगर मैंने सत्य बोल दिया तो। मैंने कहा फिर तो तेरे लिए छूट है, तू सुबह के टाइम झूठ बोल लियो। अब कहा सत्य बढ़िया, काट दे ब्रह्मा का सिर और ब्रह्मदेव का सिर कटा महाराज, सिर लुढ़कता गया, जहां तक सिर लुढ़का कटा हुआ सिर ब्रह्मा जी के रक्त से एक नदी उत्पन्न हो गई जिसका नाम कर्मनाशा नदी था महाराज, कर्मनाशा। और वो नदी आज भी विराजमान है जहां बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि इस नदी में हाथ ना धोएं पांव ना धोएं, ये कर्मनाशा है, कर्मों का नाश कर देती है। इसलिए आज भी वहां पर लोग उस नदी का स्पर्श नहीं करते, शिव से जो वंचित रहे। इसलिए सत्यमय जीवन को जियो और अपने आनंद में रहो। आज की कथा को यहीं पर विराम की ओर लेते हुए कल कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे, सुंदर चरित्र की ओर पहुंचेंगे। कौशल परिवार को, श्री रमेश चंद जी कौशल जी कुमार साहब को बहुत बहुत साधुवाद, जो इतनी सुंदर कथा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सादर जय श्री कृष्णा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आज जिन भाग्यशाली दानदाताओं ने अपनी सहयोग राशि मंदिर गौशाला एवं वृद्ध आश्रम हेतु समर्पित की, उन सभी दानदाताओं के नाम गणेश प्रसाद जी चौधरी हरदा से 1101 रुपए, सावित्री उपाध्याय जौनपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, मनोज जी शर्मा 501 रुपए, स्वर्गीय राम प्रसाद जी वर्मा दरबार इंदौर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए, पारस बाबा टेकरी गया बिहार से 1101 रुपए, ललिता जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से 501 रुपए, निखिल देवीलाल जी पांडे 501 रुपए, उषा रानी जगभूषण कुमार जी 501 रुपए, नंद किशोर जी पंचाल दीगान पठान से 501 रुपए, श्रीमती साबिता सोनी बैतूल मध्य प्रदेश से 501 रुपए, सत्येंद्र सिंह जी चौहान कौशलपुर उज्जैन से 1101 रुपए।